हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सीलेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। इस क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, एक्सीलेटरी सिस्टम। एक्सीलेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। गाइज, उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि प्रत्येक वृक्क में, यानी कि वृक्क हिंदी में, इंग्लिश में किडनी को कहा जाता है, हिंदी में वृक्क कहा जाता है। आप गुर्दे भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर किडनी के लिए जो शब्द लिया गया है वो वृक्क लिया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरोन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। आपको गलत कथन का चयन करना है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ऑप्शन नंबर डी है, वृक्क उदर्स में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। ये चार कथन आपके सामने दिए गए हैं। चारों में से आपको गलत कथन का चयन करना है और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 12/9/2022 को पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी के बारे में पता होना जरूरी है और आजकल एग्जामिनर यही कारण होता है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है, क्योंकि यहाँ पर चार कथन दिया गया है। चारों कथनों से संबंधित जानकारी आपको पता होना जरूरी है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर सकते हो। आइए शुरुआत में चर्चा करते हैं कथन नंबर ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की। प्रत्येक वृक्क में, कह रहा है कि प्रत्येक किडनी में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है। क्या मुझे आप ये बताओ, क्या न्यूरॉन के बारे में हम उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं? क्या एक्सीलेटरी सिस्टम का हिस्सा न्यूरॉन है? बताइए भैया, नहीं, इसके बारे में हम ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना भैया? ओके, तो ये तो भैया आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ये कथन आपका गलत है। तो आपसे गलत कथन के बारे में ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो हमें पता लग गया, लेकिन क्या बाकी के तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीन जो कथन दिए गए हैं, क्या वो वास्तविकता में सत्य हैं या फिर इनमें भी कुछ गड़बड़ है? आइए एक एक करके इनका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, युग्म का मतलब होता है भैया जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। कितने जोड़े के लिए कह रहा है? एक जोड़े के लिए कह रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक जोड़े के बारे में बात करते हो तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या में दो होता है। और वृक्क का मतलब क्या होता है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है भैया? किडनी। तो आपसे कह रहा है कि जो किडनी होती है वो एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में दो होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है भाई, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक मूत्रवाहिनी युग्म, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक मूत्रवाहिनी युग्म यानी कि मूत्रवाहिनी जो होती है वो एक युग्म होती है, यानी कि संख्या में दो होती है, यानी कि वो एक जोड़ी होती है। यूरेटर डक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो यूरेटर डक्ट होती है वो भी संख्या में कितनी होती है? वो भी संख्या में दो होती है, यानी कि वो भी एक जोड़ी होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एक मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर के बारे में कहा गया है, तो भैया यूरिनरी ब्लेडर जो होता है वो एक ही होता है, उसकी संख्या एक ही होती है।
इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक मूत्र मार्ग जो यूरेथ्रा होता है वो भी एक ही होता है भैया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में किडनी कितनी होती है, मूत्रवाहिनी कितनी होती है, मूत्राशय कितना होता है, मूत्र मार्ग कितना होता है, इनकी संख्या के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन में भी ग्रुप डी में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो अभी से याद कर लो भैया, जो किडनी होती है वो एक जोड़ी होती है, यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्रवाहिनी जो होती है वो भी दो होती है, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी जो ब्लेडर है उसकी संख्या एक होती है, और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है उसकी संख्या एक होती है। सारी बातें क्लियर है? ओके, वैसे मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि भाई किडनी कहाँ होती है, किडनी का काम क्या होता है, मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है, मूत्राशय का काम क्या होता है, मूत्र मार्ग का काम होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, साथ ही साथ में यूरिन का निर्माण भी करती है, यानी कि मूत्र का निर्माण भी करती है। जो मूत्र का निर्माण इस वृक्क में हुआ है, आपकी किडनी में हुआ है, उसे ये जो मूत्रवाहिनी होती है, जो यूरेटर डक्ट होती है जिनकी संख्या दो होती है, वो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाने का काम करती है। कुछ समय के लिए यूरिनरी ब्लेडर में मूत्र इकट्ठा होता है, उसके बाद में मूत्र मार्ग की सहायता से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये काम होता है भैया किडनी का, यूरेटर डक्ट का, यूरिनरी ब्लेडर का और भैया यूरेथ्रा का। इतनी बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल मानव उत्सर्जन तंत्र में भैया ये सारी चीजें होती है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। आइए कथन नंबर तीन के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग कितना होता है, 180 लीटर प्रतिदिन होता है। मैंने अभी अभी आपसे कहा है इसकी लैंग्वेज पर मत जाइए, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान से समझिए, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक मान होता है GFR, मान क्या है GFR, इस GFR का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, रेट का मतलब होता है दर, यानी कि जिस दर से ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब ग्लोमेरुलस के बारे में आप नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ोगे भैया, एक किडनी में लगभग 1,00,000 नेफ्रॉन होते हैं, सॉरी 1,000,000 नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनियों में लगभग 2,000,000 नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि लगभग 2,000,000 होते हैं, 1,000,000 बराबर 1,00,000 होता है। और किडनी का जो कार्य होता है वो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की जो कोशिका होती है वो कौन है, वो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन ही करती है भैया। तो ग्लोमेरुलस के बारे में आप नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ोगे, मैंने आपको बहुत बार नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ाया, उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। सॉरी हाँ, तो मैं GFR के बारे में बात कर रहा था कथन नंबर तीन को समझाने के लिए। GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि वह दर जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है उस दर को कहा जाता है GFR, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आपकी जो किडनी होती है वो प्रति मिनट 125 ml ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और प्रतिदिन के बारे में पूछा जाए तो 180 लीटर ब्लड को छान करके अलग कर देती है, 180 लीटर ब्लड को प्रतिदिन आपकी किडनी छान कर देती है या फिल्टर कर देती है। तो वही चीज आपसे ऑप्शन नंबर सी में या फिर कथन नंबर तीन में कहा गया है कि सामान्यतः जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसकी जो किडनी है उसकी जो आरंभिक निस्यंद है, जो निस्यंद है वो लगभग कितनी है भैया, 180 लीटर प्रतिदिन है भैया। भाई इसके ब्लड फिल्ट्रेशन की रेट क्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि भैया आपकी किडनी है वो प्रतिदिन में कितना ब्लड छानती है, तो भाई 180 लीटर छानती है। प्रति निस्पंदन भी हो सकता है यहाँ पर इस निस्यंद की जगह पर, या फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें तो वृक्क यानी कि जो आप किडनी होती है वो आपके उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो उदर गुहा है उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो आपकी जो किडनी होती है, मैंने कहा था कि किडनी एक जोड़ी होती है यानी कि संख्या में दो होती है, तो आपकी पीछे की तरफ यहाँ पर इस जगह पर आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये भैया एक एक किडनी होती है,
तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी यानी कि आपका कथन नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपसे गलत कथन के बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो आपके तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है भैया, क्योंकि इसमें न्यूरोन के बारे में कहा गया है और मानव उत्सर्जन तंत्र में हम न्यूरोन के बारे में नहीं पढ़ते। जो तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर है जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम न्यूरोन के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया जाकर के पढ़ लेना है, क्योंकि अगर वो पढ़ने के बाद में अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो आपको क्वेश्चनों का आंसर देने में मजा आएगा, मेरे बताने से पहले ही आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि भैया अगर नहीं पढ़ा है उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर तो जाकर पढ़ लीजिए। एक इम्पोर्टेंट सूचना है, जिस बैच में आप ये क्लास देख रहे हो उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं अब तक आपको 5 से 6 चैप्टर लगवा करवा चुका। मैंने इसमें ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल हल करवाए हैं। उसके अलावा विटामिन वाला चैप्टर करवा दिया है, पाचन तंत्र वाला चैप्टर करवा दिया है, अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर करवा दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया है, कोशिका वाला चैप्टर करवा दिया है, कंकाल तंत्र वाला चैप्टर करवा दिया है। ये 6-7 चैप्टर है भैया जो मैं इस बैच में आपको कंप्लीट करवा चुका। तो अगर आपने ये बैच में की क्लासेस शुरू से नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि भाई रेलवे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सभी मैंने भैया क्रम वाइज यानी कि एक सीरियल वाइज मैंने वो सारे चैप्टर आपको करवाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी करवाया है और लो से लो लेवल का क्वेश्चन भी करवाया है। आप जाकर देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, उसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर भी देख सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। जो जानकारी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दी थी सेम वही जानकारी आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है, और ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे ग्रुप डी में 9/9/2022 को पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन कर रहा है। आपके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, फिर इन क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए भैया। आराम से करते हुए चलेंगे, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र से रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के सभी परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन हमें एक एक करके सारे के सारे ही क्वेश्चन करने हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी है एक जोड़ी वर्ग, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर सी है एक वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी है एक वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। इनकी मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वृक्क को कहा जाता है भैया किडनी, क्या कहा जाता है किडनी, ठीक है। मूत्रवाहिनी है, इस मूत्रवाहिनी को कहा जाता है यूरेटर डक्ट, ठीक है। मूत्राशय को कहा जाता है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, और मूत्र मार्ग को कहा जाता है यूरेथ्रा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और एक जोड़े में संख्या होती है 2। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 जोड़ी है तो 3 जोड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ी की संख्या हो जाएगी भैया 6। अगर मैं आपसे कहूँ 2 जोड़ी है तो 2 जोड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 4।
दो जोड़ी में कितनी होती है संख्या? चार होती है। एक जोड़ी में संख्या कितनी हो जाएगी? एक जोड़ी में संख्या हो जाएगी दो। तो क्वेश्चन नंबर दो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन कर रहा है? ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में 9/9/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा है कि भैया क्या होता है, मैं डायग्राम की सहायता से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक जोड़ी किडनी होती है, ठीक है। किडनी क्या करती है? यूरिन का निर्माण करती है। किसका? यूरिन का, यानी कि मूत्र का, और ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करती है। इसमें क्या लगी हुई होती है? ऐसे यूरेट्रा डक्ट लगी होती है। तो ये क्या है? ये यूरेट्रा डक्ट है भैया, ये यूरेटर डक्ट है। और ये क्या है दोनों? ये दोनों आपकी किडनी है। किडनी में यूरिन का निर्माण हुआ, इस यूरिन को किडनी से यूरेटर डक्ट कहाँ तक लेकर जाती है? आपके यूरिनरी ब्लेडर तक लेकर के जाती है। कहाँ तक लेकर के जाती है भैया? यूरिनरी ब्लेडर तक लेकर के जाती है। तो ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है भैया, ठीक है, यानी कि मूत्राशय। और यहाँ पर होता है भैया यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। इस यूरिनरी ब्लेडर में कुछ समय के लिए यूरिन इकट्ठा होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से ये तीन चार ऑर्गन मिलकर के आपके उत्सर्जन प्रणाली का गठन करते हैं भैया। आपकी जो उत्सर्जन प्रणाली होती है, इस उत्सर्जन प्रणाली का गठन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो किडनी है वो एक जोड़ी है भैया, एक ये रही एक ये रही, यानी कि दो हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक जोड़ी आपकी किडनी है, ठीक है। एक जोड़ी आपकी मूत्र वाहिनी है, देख सकते हो ये यूरेटर डक्ट है, ये दो है, एक इस किडनी से आ रही है एक इस किडनी से आ रही है। दोनों किडनियों में ब्लड का फिल्टर हो रहा है और यूरिन का निर्माण हो रहा है। तो भैया दो हो गए, यानी कि एक जोड़ी मूत्र वाहिनी हो गई, है कि नहीं है? एक मूत्राशय होता है, दोनों एक ही जगह पर आकर मिल रही है, ये यूरेटर डक्ट, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर की संख्या कितनी है? एक है। और लास्ट एंड फाइनल एक क्या है? एक मूत्र मार्ग है, बिल्कुल एक ही रास्ते से होकर के हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। तो भाई एक यूरेथ्रा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क का नाम ले रहा है, एक मूत्र वाहिनी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक मूत्र वाहिनी का ही नाम ले रहा है, लेकिन वहाँ पर एक जोड़ी होना चाहिए था। एक वृक्क है नहीं भैया, एक वृक्क नहीं होती, दो होती है, यानी कि संख्या में दो होती है, एक जोड़ी होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक वृक्क है एक मूत्र वाहिनी है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए होगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। एक ही जगह से बार बार आपसे रेलवे ग्रुप डी में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि भैया ये चीजें आपसे आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, एनडीए की एग्जाम तक पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूरिन किस रास्ते से बाहर जाता है, वहां पर क्वेश्चन ये था और ऑप्शन यही थे। आपको सही क्रम की पहचान करनी है भैया। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 20/9/2022 को। ऑप्शन में आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पहले वृक्क, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी है वृक्क, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर सी है वृक्क, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी। ऑप्शन नंबर डी है वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, मूत्राशय। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए एक बार, जिंदगी में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपकी जो किडनी होती है कुछ इस तरीके से होती है, आप सभी को पता है। एक किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रोन होते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, और जिनमें किसका निर्माण होता है? जिनमें यूरिन का, यानी कि आपके मूत्र का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? देख सकते हो यहाँ पर किडनी कितनी है? दो है।
फिर इस किडनी से इस तरीके से डक्ट छोटी छोटी नलियाँ, छोटी छोटी तो नहीं कह सकते लेकिन दो डक्ट निकलती है, एक इस किडनी से निकलती है और एक इस किडनी से निकलती है। और ये डक्ट क्या करती है भैया, जो यूरिन होता है उस यूरिन को मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुको। देखो भैया, ये है आपके किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क बोला जाता है। ये संख्या में कितनी है, तो संख्या में दो है और जोड़े में एक है, ठीक है। ये है भैया यूरेटर डक्ट, मूत्र वाहिनी। इंग्लिश में बोला जाता है यूरेटर डक्ट। ये भी वन पेयर होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। आपकी किडनी में नेफ्रोन है, इस नेफ्रोन में यूरिन का जो निर्माण हुआ है, यूरिन का जो निर्माण हुआ है वो यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्र वाहिनी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी वाहिनी जो मूत्र का वहन करती है। तो भैया इस किडनी में जो नेफ्रोन है, इस किडनी में जो नेफ्रोन है, उस नेफ्रोन जिन ने जो यूरिन का निर्माण किया है, वो यूरिन भैया आपका जो ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई मूत्राशय। तो इस मूत्राशय में इस यूरिन को पहुंचाने का काम किसका है, इस मूत्र वाहिनी। सिंपल सी बात है, किडनी में यूरिन मूत्र का निर्माण हुआ, मूत्र वाहिनी की सहायता से मूत्राशय तक यूरिन पहुंचा, मूत्राशय में यूरिनरी ब्लेडर में कुछ समय के लिए मूत्र इकट्ठा हुआ और लास्ट एंड फाइनल ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा की सहायता से, इस मूत्र मार्ग की सहायता से ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसकी संख्या भी एक होती है, इसकी संख्या भी एक होती है। अब सही अनुक्रम क्या है इसका, तो पहले किडनी आएगा, फिर मूत्र वाहिनी आएगा यानी कि यूरेटर डक्ट आएगा, फिर मूत्राशय आएगा, फिर मूत्र मार्ग आएगा। देख सकते हो पहले वृक्क यानी कि किडनी आ रहा है, फिर मूत्र वाहिनी आ रहा है। ये देखो नंबर दो पर मूत्र वाहिनी, नंबर एक पर वृक्क, नंबर तीन पर मूत्राशय आ रहा है, यूरिनरी ब्लेडर आ रहा है और नंबर चार पर मूत्र मार्ग आ रहा है यानी कि यूरेथ्रा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने आपको तीन क्वेश्चन करवाए हैं और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से तीन ही क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं धीरे धीरे आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक एक करके। अब आगे और चलते हैं कि भाई इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस जगह से भी क्वेश्चन आते हैं तो उस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। आज हम क्वेश्चन चार तक ही करेंगे, थोड़ा सा काम आ गया है। कल से हम आपको लगभग 40-45 मिनट की क्लास देने वाले हैं हर रोज, तो भाई आज कोई बात नहीं है, आज एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। अगर आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है और उसकी अगर पहली क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया कौन कौन सा अंग जो है वो उत्सर्जन अंग के रूप में काम करता है। देखिए, हमारी जो स्किन होती है वो आपके पसीने का, आपका जो पसीना है उसका उत्सर्जन करती है। तो भैया त्वचा भी हमारा उत्सर्जन अंग है। एक्चुअली में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी हानिकारक चीज़ें होती है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, इन सारी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अगर ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगी ये सारी की सारी ही चीज़ें, तो हमारे शरीर में बीमारियां हो जाएगी। तो हमारे शरीर में इन हानिकारक चीज़ों को, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है।
तो जैसे कि फेफड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, तो ये भी उत्सर्जन अंग के रूप में माना जाता है। त्वचा को भी माना जाता है, किडनी को भी माना जाता है, लेकिन छोटी आंत नहीं है। तो भैया आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, तो भैया छोटी आंत नहीं करती है, क्योंकि छोटी आंत के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा शरीर का ऑर्गन किस सिस्टम में पढ़ा जाता है। जैसे कि भैया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप माउथ के बारे में पढ़ते हो, फूड पाइप के बारे में पढ़ते हो, है कि नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हो, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हो, लीवर के बारे में पढ़ते हो, यहाँ तक कि पेंक्रियाज का कुछ भाग भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जैसे कि श्वसन तंत्र वाला चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है जिसमें आप फेफड़ों के बारे में पढ़ते हो, एक्सीलेटरी सिस्टम है जिसमें आप देखा जाए तो किडनी के बारे में पढ़ते हो, वैसे अलग अलग सिस्टम है जैसे कि कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, उसमें आप हड्डियों और उपास्थियों के बारे में पढ़ते हो, मांसपेशियों के बारे में भी पढ़ते हो, तो वो अलग अलग सिस्टम है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आज आधे घंटे की क्लास से एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी उत्सर्जन तंत्र से रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।